नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। दिल्ली की जनता किसके साथ है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं ये हम सब जानते हैं। पिछली बार चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के आम वादों, आम रवैयों के साथ पहुंच गई थी। सभी ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, अरविंद केजरीवाल को मसीहा बनाया था। लेकिन इस बार क्या होगा, अब की बार किसके साथ है दिल्ली? भाजपा, कांग्रेस और आप ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों ने कैंपेनिंग में इतने पैसे लगा दिए हैं जितने यदि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की भलाई में लगाते, या किसी एक क्षेत्र की भलाई में, दिल्ली की भी किसी एक क्षेत्र की भलाई में ही लगा देते, तो शायद जनता, उस क्षेत्र की जनता शायद, या फिर उस दिल्ली की जनता उनकी मुरीद बन जाती पार्टी की, जो भी वहां काम करे। अब सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार बंद हो चुके हैं, क्योंकि आज 6 तारीख है और 8 तारीख को मतदान है, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार रुक चुके हैं। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। दिल्ली चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को की थी, ये हमें सभी को पता है। उसके बाद से ही प्रचार प्रसार शुरू हुए थे। इसके बाद से 6 जनवरी के बाद से आज हो गई है 6 फरवरी, यानी कि एक महीना, 31 दिन, टोटल 30 दिन मान के चलते हैं। आज तक सभी पार्टियों ने जमकर खर्च किया है, आज हम उन्हीं का ब्यौरा लेकर आए हैं। ये वो खर्चा है जो होता तो पार्टी के फंड से है, लेकिन सभी जानते हैं कि ये फंड में पैसा कहाँ से आता है। खैर, ये बात तो अलग है। अब इस मंदी के दौर में, क्योंकि देश में तो भारी मंदी है, नौकरियां नहीं मिल रही है, सब्जियों के दाम, फलों के दाम, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंदी है, लेकिन इस मंदी के बाद भी पार्टी कितनी धनवान है ये देखते हैं कि आपकी पसंदीदा पार्टी के पास कितना पैसा है, आपकी पसंदीदा पार्टी कितना ज्यादा पैसा लुटा सकती है अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी ने पिछले 30 दिनों में केवल अपने फेसबुक पेज के लिए 19,51,673 रुपए खर्च कर दिए हैं। जी हाँ, 19 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं फेसबुक पेज से। यानी इसके अलावा और भी प्रमोशनल की कितनी भी चीजें होती है, मतलब साइट्स भी अगर अलग अलग बात करें, ट्विटर या अन्य साइट को छोड़ के हमने सिर्फ फेसबुक के ऐड से बात की है। इसके अलावा पार्टी ने रैली की होगी, सभाएं की है, कार्यकर्ताओं का खर्चा है, ये तो सब अलग बात है। जो 19 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से हुआ है। अब हम अगली बात करते हैं बीजेपी के बाद कांग्रेस से। तो कांग्रेस भाजपा से इस मुद्दे में आगे निकल चुकी है। यदि हम केवल फेसबुक पेज के खर्च की बात करें तो कांग्रेस भाजपा से कई गुना ज्यादा आगे है। 30 दिनों में कांग्रेस ने 30 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, 30,81,829 रुपए। और ये हम आंकड़े जो है वो पूरे 30 दिन के नहीं दिखा रहे हैं, ये आंकड़े 30 दिन में इससे भी कम है। यानी आज का दिन और कल का दिन, 5 और 6 तारीख छोड़कर ये आंकड़े आपको बताए गए हैं। ये आंकड़े आपको भी फेसबुक पर मिल जाएंगे, एड्स में, प्रमोशनल में। चुनाव के लिए पार्टी ने सैकड़ों एड प्रमोट करवाए, भाजपा ने भी करवाए, कांग्रेस ने भी करवाए, लेकिन कांग्रेस भाजपा से इस मुद्दे पर आगे है। वही आखिरी सप्ताह में कांग्रेस ने 22 लाख रुपए खर्च किए और आखिरी दिन 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसमें अभी अन्य प्रमोशनल खर्चे नहीं जोड़े गए हैं, मतलब कि सभाएं या रैलियां या कार्यकर्ताओं के खर्चे, ये सब इसमें ऐड नहीं है, ये सिर्फ प्रमोशनल है, वो भी फेसबुक के। अब बात करते हैं आपके, यानी आम आदमी पार्टी के। तो दिल्ली चुनाव में इस बार खर्चों के मामले में जैसे कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई है, वैसे ही आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों से आगे निकल गई है। आम आदमी पार्टी फेसबुक पर दिल्ली चुनाव प्रचार में आधिकारिक तौर पर 61,23,450 रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अंतिम 2 दिनों का खर्च अभी इसमें शामिल नहीं है, मतलब आज का 5 तारीख का और 6 तारीख का इसमें शामिल नहीं है, 2 दिन का भी शामिल नहीं है। तो सोचिए, 61 लाख रुपए जब आपने किसमें खर्च कर दिए, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के एड में, फेसबुक पर प्रमोशन के लिए आम आदमी पार्टी 61,23,450 रुपए खर्च कर चुकी है। आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में फेसबुक पर एड के प्रमोशन में सबसे आगे निकल गई है। यानी देश में भले ही मंदी छाई हुई है,
सीएम केजरीवाल भले ही अपने आप को गरीब बताते हैं और कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन कितने पानी में है, किसके पास क्या है, किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, जनता की भलाई किसने की है, ये सब जानती है पब्लिक, सब जानती है। अब बात यह है कि इस बार दिल्ली किसे अपना मसीहा बनाएगी, तो ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा कि किसे बनाती है दिल्ली अपना मसीहा। लेकिन अब की बार जब आप मतदान करने जाएं, तो सीने में देश के सुनहरे भविष्य की कामना के साथ जाएं, जातिवाद के जंजाल से मुक्त होकर जाएं, किसी की बातों में आकर नहीं, अपने लिए, अपने देश के लिए वोट करने जाएं, क्योंकि आपका एक वोट इस देश का आपका भविष्य बदल सकता है। तो इस बार जब भी वोट देने जाए, इस बार वोट देने के लिए आप जाते हैं तो पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी या कोई अन्य पार्टी, उनके काम पर, उनके लीडर्स से नहीं, आपके क्षेत्र में कौन विकास कर सकता है, इन पर जाए। जातिवाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है आजकल देश में, इसको परे रख कर जाए, इसे भूल कर जाए, इसे अपने घर में ही छोड़ दे कि हिंदू मुस्लिम भी जैसा भी कुछ हो रहा है हमारे देश में, CAA जैसा भी कुछ हो रहा है हमारे देश में। हम अगर वोट देने जाते हैं तो हमें मन में सिर्फ एक चीज रखनी है कि हमारे एक वोट से हमारे देश का भविष्य सुनहरा होना चाहिए, सुधरना चाहिए, और ये अगर देश का भविष्य सुधरता है तो हमारा भविष्य तो सुधरेगा ही। थी आज के लिए इतना ही था, ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।